आराम से अखलाक, बहुत आराम से, इस छज्जे के नहीं अगले वाले छज्जे के नीचे। अभी, ये अभी से देख रहा है तेरे को, टेढ़ी आंख से देख रहा है, देखा भाग गया। ओहो अखलाक, नुकसान कर दिया यार तूने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे कि हमने आप लोगों को कल दिखाया था कि हम लोग यहाँ पर बकरियाँ भी ले आए, मोर भी ले आए, लेकिन आज हमारे पास वो जो बकरियाँ हम कल छोड़ के गए थे वो कैसी हैं, अब वो देखते हैं सिचुएशन। मगर लोग कहते हैं मेहनत मजदूरी का काम है, ये तो आराम का काम है। आराम का ये साहब, जलने वाले जलते रहे, अल्लाह जला है। एक नया बंदा हमने बुलाया है फार्म हाउस के लिए, पहले तो वो चाचा सतार को देख के परेशान हो गया, क्या काम क्या है यहाँ पे। यही है पहचानना है कि ये इंसानों में है कि नहीं। आते ही उसको बरगाने लगा, इधर ये काम है उधर ये काम है, तू तेरा क्या वास्ता। एक इतनी मुश्किल से बंदा हाथ किया, तू उसको भगा रहा है। नहीं मैं उसको पूछूंगा ना, इधर भी काम है इधर भी काम। बरगला यार तेरे को तो शाबाश है, तेरे को सुबह को मैंने बोला था कि उसको तू उस पर हल्का हाथ रखी। हल्का हाथ रखा है, मैंने फिर ये पूछा कि वाले साहब का निकालना मैं लेकर आए, फर्स्ट फ्लोर साहब का ना है उधर बक्खे दुम्बे। ओहो उन्होंने अपना घर समझ गया, बस शुरू हो गया घटाघट। हाँ तो माशाल्लाह भाई बकरियां बिल्कुल सेट है, ऑल सेट, और आज हमारी इस टैंक का काम चल रहा है। अरे रोशन आया भाई, आज हमने वो कारीगर मंगवाया है जो कभी काम नहीं करता, मतलब हफ्ते में अगर वो दिहाड़ी पर आए तो 6 दिन वो छुट्टी होता है, सिर्फ 1 दिन काम पर आता, और वो है रोशन भाई। रोशन भाई आ गए आज आप? जी जी माशाल्लाह। वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो आज रोशन भाई आए तभी ये भी सुस्त होकर बैठे। वो देख मेल जो अंदर बैठा हुआ छुप कर फर्स्ट क्लास, और ये फीमेल बैठी हुई है। पानी मुखे जो नहीं क्या बीजा हो। ओहो पानी भी नहीं है मोरों को यार, जल्दी कर बिस्मिल्लाह कर भाई यार। चाचा सतार वाली कहानी के आराम आराम से रुक रुक के सुकून से काम करना है, तो 2 जने आज काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से काम चल रहा है ना अगला हफ्ता 10 दिन और लगेंगे इसको। हाँ भाई 5-6 दिन कहीं नहीं गए। कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह चाचा सतार को थोड़ी सी चाबी देते हैं, बोलते हैं कि जल्दी काम कर दे झटपट, रमजान भी आने वाला, फिर कहाँ इतना गर्मी में काम हो सकेगा हमसे भी और तुझसे भी यार। खैर कौन सा चाचा सतार रोजा रखता है, ये बात। इसको खाली करवाते हैं, ये थोड़ा सा कच्चा पक्का कमरा भी है तो इसमें बकरियां थोड़ी खुश रहेंगी ना। मेरे ख्याल से आज हमारा जो बड़ा काम है आज उसको कर लेते हैं यार। बकरियों का हमने वो वाला कमरा डिसाइड तो कर दिया है, बकरियां यहाँ खड़ी हैं, अब पहले तो इन बकरियों को यहाँ से निकालना पड़ेगा ताकि ये यहाँ से निकले वहाँ जाए, और फिर हम इस पिंजरे की सफाई कर फिर कबूतरों को छोड़ें। खोलना पड़ेगा ऐसे, उनको थोड़ा घुमाना फिराना पड़ेगा, ये अपना घर देख लें, ये सारा इनका घर है। जा भाई घूमती रहे लेकिन बाहर नहीं जाइयो। ओहो पार्टी टाइम। हाँ भाई जबरदस्त, लगे रहो भाई लगे रहो, तुम लोग यहीं खाओ पियो, यहाँ से बाहर मत निकलना। अब बकरियों को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, और इस पिंजरे को अभी हमने साफ करना, और इसके बाद हमने कबूतरों को शिफ्ट करना है। एक सुराख यहाँ पे, एक सुराख यहाँ पे, ताकि ये बांस बिल्कुल सीधे यूं खड़े हो जाए ऊपर। ठीक ओके दादा, तुम लेके आऊं? हाँ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन सर की हाइट से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। हाँ बस ठीक है, यहाँ पर ना। हाँ बस ये ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ऐसे। हाँ ये ठीक है, ये ओके ओके बिस्मिल्लाह, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, तू थोकना शुरू कर। ओके ओके थोड़ा ये तो फिर बस ओके है ना, जरूरत है क्या और इसको? नहीं अरे यार निकल जाएगा भाई। नहीं नहीं उधर लग रहा जरूरी, वहाँ लग गया ना फिर ये बाहर नहीं आएगा। चलो भाई माशाल्लाह ऑल सेट। जब मैं कोऑर्डिनेटर बना था ना मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन कोऑर्डिनेटर जितने भी हैं समझ लें ये काम भी करना है। सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? सार। भाई ये हमारे मोहल्ले का बच्चा और बड़ा जबरदस्त जिम्मेदार किस्म का बच्चा है यार, अभी बकरी यहाँ से बाहर भाग रही थी तो अफसर ने कैसे पकड़ लिया उसको यार, तू तो बड़ा स्ट्रांग है यार, दे ताली। ये शाबाश भाई, ये क्या हो रहा है? मैं तो समझ रहा है कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ मैं, ये तो चेयरमैन खुद लगा हुआ है यार। वेरी गुड, जब चेयरमैन साहब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते सर? अरे क्या कर रहे हैं सर? अबे ये रिकॉर्ड थोड़ी करना था यार। अबे क्या कर रहे हो अपने मुंह? क्या कर रहे हैं यार, मेहनत तो करनी है भाई, रह गया बाकी थोड़ा काम और टाइम हमारे पास बहुत कम है। कहते ना कि
क्या कह रहे हैं वो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं नहीं भाई, मुकाबला सख्त है और टाइम कम, टाइम कम, टाइम कम है। इसकी कोई मिसाल दी यार, मैं भूल गया, सॉरी, पता नहीं क्या मिसाल दी। बचपन में मिसालें देते थे, अब भूल गए। लगा हुआ चेयरमैन साहब, लगे रहे कैरी ऑन। झाड़ू उसको इसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम भी भरो झाड़ू लगा। यार वो भंगी है क्या हमारे? भंगी नहीं है। एक तो यार रखना, तेरी बीवी ने बड़ा तंग किया है, हर 10 मिनट फोन करती है तुझे, हर 10 मिनट के बाद फोन करती है। नहीं, इसको कहते हैं कांपे टांग रही है इखलाक भाई। जब बीवी का फोन होता ना, टांगे यूं रब 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 रब, ऐसी बात नहीं है। यार मुझे मैंने ऐसे थोड़ी रखी है यार, फोन रखने के बाद भाई की मूंछ ऊपर चली जाती है। नहीं नहीं, अभी हट जाओ, हट जाओ। ओहो, झाड़ू तो बड़ा दिला दो यार, ये क्या है, करवा दी करवा दी। ओहो, चलाई फिर भी सैलरी फिर भी तेरे को उतनी ही मिलेगी। हैं फिर भी कटेगी। अरे नहीं यार, भाई ये जो बचपन में हमने कबूतर लिए थे वो कबूतर अब रेडी है, हम यहाँ से उनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अब ये कुछ कबूतर होंगे जो अंडों पे बैठे होंगे, कुछ बच्चों पे बैठे होंगे, वो क्या करेंगे? जो जो फारिक होंगे ना, कोशिश करेंगे वो निकालें, जो अंडों पे बैठे हुए वो भले बच्चे बड़े कर लें। आज हमारी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं अफसारी, और अफसारी का जुमला क्या था वो सुनिएगा। मैं पकड़ूंगा सारे कबूतर। अबे कैसे पकड़ेगा? पकड़ने आते, सोच ले, डरेगा तो नहीं? नहीं, मैंने पकड़े। हाँ भाई, ये तो बड़ा काम का बंदा है यार। चले भाई, इससे भी काम का बंदा। क्या इससे भी ज्यादा काम का है? क्या फिर से बोल? इससे भी काम का, इससे भी ज्यादा काम का आदमी है तू। देखे आशीष डेली व्लॉग को एक नया प्लेयर मिल गया, नया प्लेयर मिल गया, नया एक्टर मिल गया हमारे। वाह, अब सारी तू हीरो है, हाथ मिला ये बात। अनुशे मरियम, हाउ आर यू? अब सारी कहता है कि ये सारे कबूतर मैं अकेला पकड़ लूंगा। हैं, चलो तो फिर शुरू करते हैं, हमें इन सारे कबूतरों को पकड़ना है और इस पिंजरे में डालना है। ये निकाल लेगा भाई, सब कुछ ये कर लेगा, हम क्या करेंगे फिर ब्लॉग में यार। अखलाक, हमारे नंबर तो उसने काट दिए लोग, हमारे को बोलेंगे तुम हड आराम हो गए, सारा काम तो बचा कर रहा है। अखलाक भाई मिशन के लिए तैयार हैं और ऊपर चढ़े हैं। ये बात, बच्चे मर नहीं जाए बस। ये बात, अंटों का तो खैर है, अभी तो सीधा नहीं, दूसरे ले देंगे उसको, तो पकड़ना था। हाँ बेटा चढ़ जा, चढ़ जा। चढ़ेगा? अखलाक इसको भेजूंगा ऊपर बच्चे को। भाई संभाल के बेटा, गिर नहीं जाइयो, आराम आराम से, आराम आराम से बेटा, आराम आराम से, अरे आराम से बेटा। बड़ा सख्त जान है भाई। और इसमें जो है ना, ये आपके नज़र से और हाथ से ऊपर है ना, तो रोज आदमी चेक नहीं कर पा रहा, इसलिए कुछ बच्चे मरे हुए भी हैं। ये एक दो अंडे हैं, लेकिन अंडों पे एक अंडा है वो भी खराब कर दिया। तकरीबन सारे चले जाएंगे, दो बच्चे हैं। हाँ। ये दो बच्चे तो बड़े हैं, ये पल जाएंगे। ओके, बाकी तो बच्चे मरे हुए। अरे इसमें तो कीड़े भी लगे हुए यार। ना भाई, ये दाने के नीचे कीड़े, ये हमारे हाथ से ऊपर है, इसलिए हम इसको संभाल नहीं सकते ज्यादा। भाई कहाँ घुस गया ये बच्चा? बड़ा खतरनाक बच्चा है भाई, बड़ा खतरनाक बच्चा है। ये ले भाई, इसको शुरू करूँ? कबूतर आ गया, एक मिनट ठहर। दीदी आराम से, आराम से, आराम से, अच्छा जी आराम से। नहीं बस भैया, अभी अभी वाली पियो, ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। एक कबूतर हमारा भाग गया यार, वो सामने बैठा हुआ है। चल मैं बंद कर रहा हूँ दरवाजा फिर से भाई। अब सारी सबसे बेस्ट रहा, जिसने सारे कबूतर से पकड़े, सही कहा था इसने अखलाक। हाँ, ये बड़ा काम का बच्चा है, काम का बच्चा है। ये आशी डेली व्लॉग में काम कर सकता है, डेमो में ये कामयाब हो गया। और ये दरवाजे के पीछे अफसारी ने इसको पकड़ लिया और अफसारी जीत गया। अफसारी ने सही कहा था कि सारे कबूतर ये पकड़ेगा, अखलाक कुछ नहीं पकड़ सकेगा। आज सही अखलाक को बाजी मार गया ये। एक तो तुमने उड़ा दिया वो बेटा, उसको उठाते उठाते उसको। ये बैठा हुआ भाई एक, जो हमारा भागा हुआ कबूतर है, अब इसको पकड़ेंगे कैसे अखलाक? तरीके से इसको दो कबूतर नीचे छोड़ने पड़ेंगे। सुपर सुपरमैन बना दिया तुमने इसको अखलाक। हमारा एक कबूतर जो है वो उड़ गया है और इस कबूतर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अखलाक भगा मत दियो, बड़ा महंगा कबूतर है ये वाला। बहुत आराम से कबूतर, उसको दिखाओ पहले। हाँ, तू इधर से जा।
आराम से अखलाक, बहुत आराम से, इस छज्जे के नहीं अगले वाले छज्जे के नीचे। अभी, ये अभी से देख रहा है तेरे को, टेढ़ी आँख से देख रहा है, देखा भाग गया। ओहो अखलाक, नुकसान कर दिया यार तूने, छत पे कबूतरों के पास, ओए कुत्तों के पास क्या करेगा? कैंची लो, हाँ दो कबूतरों को काटते हैं, हाँ। नीचे फेंकेंगे दो कबूतर, ये खुद ही नीचे आ जाएगा। ये क्या करने लगा भाई? ये भी ना उड़ा दे तू। ऐसे होता है क्या वाकई? वाकई होता है। अब सारे ऐसे करते हैं? हाँ, ये भी ना उड़ा दे, कम नहीं काट देना, ज्यादा काटे तो जो है ना 25 दिनों में आ जाएंगे। पर इनको कुत्तों को अंदर बंद करते हैं, हाँ। फिर देखते हैं कहाँ गया कहाँ। चलो भाई जल्दी से भी तुम लोगों को अंदर बंद करना, नहीं तो कबूतर बाहर उड़ जाएगा। कहाँ है? इधर आ गया वो सामने। अरे हाँ अखलाक, वो ये बैठा हुआ है ये। यार वो बड़ा महंगा कबूतर था, नहीं तो छोड़ के चले जाते। लेकिन अभी ये है कि अभी वो कभी इस तरीके से नेचुरली घूमा नहीं है ये कबूतर, तो ऐसे ना हो कि बाहर निकले और वो उसको कोई बिल्ली बिल्ली मार दे। तो हम कबूतर को, हमने एक कबूतर को हमने इस तरीके से छोड़ा है, उसको देख के आ जाएगा। मैं दिखाऊंगा ना आएगा ऐसे। गर्मी बड़ी टाइट किस्म की और हम लोग ऐसे बैठे हुए, चोर बैठे हुए ना चुप कर। हाँ भाई, ये कबूतरबाजी में अखबारी करनी पड़ती थी। मैं वो अभी भी सामने बैठा हुआ, वो देखे सामने बैठा हुआ। मेरे हिसाब से टाइम इज मनी, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। जो कबूतर हमने पकड़े हैं, अब उन सब कबूतरों को जो है फिलहाल वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब यह नसीब ही वापस आता है या नहीं आता है, अभी जंगली कबूतरों के साथ फिलहाल तो सेट हो गया। यार तू आ जाता वापस, तुझे ले चलते, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आ रहा था क्या करें यार। चलो खैर है भाई, भले अब ये खुश रहे, अगर ये बाहर रहना चाहता है तो भले खुश रहे। एंजॉय योर लाइफ बेबी। मैं यही कहूँगा कि हम किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते कि नहीं ज़बरदस्ती हमारे पास रहना है, जिसको जाना है चला जाए, अल्लाह खुश रखे। किसको कह रहा हूँ? मैं सबको कह रहा हूँ यार, सबको कह रहा हूँ। चलो भाई अब मैं आप लोगों को खोलने लगा हूँ, ठीक है? कोई बदतमीजी नहीं करना, ओके? रेडी 1 2 3 गो। ये आज़ादी, भागो घूमो। गुड 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 गुड। तू भी अच्छी है, तू बहुत अच्छी है। ये बीमार हो गई थी हमारी टॉफी, अब माशाल्लाह एक्टिव है। वेरी गुड टॉफी, एंजॉय। अबे क्या हो गया, जाने दो। ओके ओके, बाद में खेलते हैं। ओके चल भाई, बच्चों को इनमें डाल के लेके चल। ये हाथ में लेके चल रहा है, सब बोल जाएंगे। अभी इसको खोलेंगे ना तो ये निकल जाएंगे, यूं करेंगे ना। ये तो उसकी आँख खराब हो गई है। हाँ ये माता हो गई, इसको माता कहते हैं। इसको तेल में लगाएंगे ना, यहाँ इस तरह उखड़ते जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। मुश्किल है। अच्छा सर्दियों के बच्चे हैं ये, बचते बहुत मुश्किल है। ये देखें इसमें जीत पड़ गए ये रहा। कीड़े कैसे पड़ रहे हैं इसमें? बस पड़ जाते हैं कई। तो भाई ये हमारा नया एजेंट है जुल्फिकार, और जुल्फिकार अब हमारे साथ ही होगा वहाँ पर इंशाल्लाह। ये माजू भाई ने जो है बड़ा टाइट किस्म का काम कर दिया, सीमेंट विमेंट लगा के इसको काम पक्का कर दिया है, यहाँ से भी पक्का कर दिया है, जबरदस्त हो गया। और ये अखलाक भाई की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है इस फार्म हाउस के लिए। अभी दस्ता बंद कर देगा क्या सबका? कबूतरों के पिंजरों में कवा आ गया। सॉरी क्या तू मोहसिन साहब के साथ मजाक करना, जिसके पीछे नमाज पढ़ता तू? मोहसिन साहब ने कभी देखा ही नहीं है नमाज, कभी चौक पर घूम आ जाती है इसको देखता चीज। इन सबको साइड पे करो, ऐसे ना दरवाजा खोलें और यहाँ से ही हो जाए। हाँ भाई आ जाओ, आओ आओ आओ, पहले बच्चे को बाहर निकाल, सारी को गुड, आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से। चलो भाई मुबारक हो तुम लोगों को तुम्हारा नया घर। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रहो। अभी हम क्या करेंगे, इनके बहुत सारे अंडे और बच्चे करेंगे, फिर उनको बेचेंगे और फिर हम बहुत सारे अमीर हो जाएंगे, ठीक है? इस पार्ट का क्या करेगा भाई? इसमें अब इसमें अंडे देंगे,
अच्छा इसको हर एक केज में एक एक पार्ट रखेगा ना। अच्छा नीचे नहीं रखना अगला, ऊपर ऊपर आने में, ऊपर आने में जो बच जाएंगे ना बाद में ऊपर रखें। ओके भाई, तो ये पानी के लिए भी आ गया, दूर बाहर रखना, बाहर के औरते औरते। भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबूतरों का सेटअप का काम मुकम्मल हो चुका है और अब ये इंशाल्लाह ताला कबूतर यहाँ पे बड़े खुशी के साथ रहेंगे और हमारी नज़रदारी के सामने रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इखलाक भाई दे रहे हैं कबूतरों को दाना और हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक करते हुए जाइएगा और हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे इखलाक भाई को और अफसारी को और हमारे पूरी टीम को सिया बाबा इला हाफिज़।